मित्राज जी, क्या साठगांठ है शिरोमणि अकाली दल के साथ आपकी, कि अगर आम आदमी पार्टी कंप्लेन भी करती है तो आपकी सरकार वहां पर कोई एक्शन नहीं लेती? मुझे जवाब देना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दिया गया है कंप्लेंट, लेकिन वो आपको नहीं नजर आता। वैसे आप अकालियों के साथ, कांग्रेस के साथ आपस में नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम होता है तो दोनों पार्टियों में सांठगांठ, क्योंकि ये पैसे का मामला है। उदित राज जी, नाविका जी, बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता है। कितने एमएलए हैं पंजाब के, अगर उनका टैक्स गवर्नमेंट जो भरती है तो मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एक महीने का होगा, 10-12 करोड़ का मामला होगा। इधर जो मोदी जी ने 2 एयरक्राफ्ट खरीदा 8.5 हजार करोड़ और विस्टा बना रहे 23 हजार करोड़। इधर ध्यान दीजिए, जनता का जो टैक्स का बर्बादी यहाँ हो रही है, वहाँ बर्बादी नहीं हो रही है। 1.5 करोड़ कम लगता है, लेकिन पहले पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, बंगले देख लीजिए। नहीं नहीं, बंगले देख लीजिए, बंगले दिखाना चाहती हूँ इससे पहले के, चलिए पहले आम आदमी के सवाल सुन लीजिए। अरे भाई, आप सेंसनलाइज कर रहे हैं, ये आप सेंसनलाइज, बंगले टैक्स के बचत से नहीं बने हुए हैं। बंगले तो देखिए जी, ये प्रकाश सिंह बादल जी का बंगला है, लेकिन चाहिए टैक्स में रिहाय, करप्शन है, टैक्स में रियायत चाहिए। ये है प्रकाश सिंह बादल जी का पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला, ये है परमिंदर सिंह ढींसा जी का बंगला। बंगले का साइज देखिए, और 1.5 करोड़, अरे 1.5 करोड़ अगर बनते हैं सिर्फ, तो 1.5 करोड़ ही छोड़ दीजिए। इतने बड़े बंगले जिनके पास है उनको 1.5 करोड़ आम जनता की, आदमी की पैसे लेने से क्या होगा? ये घर देखिए, अमन अरोड़ा जी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, स्पीकर साहब को, मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ, आलीशान बंगले। ये काका रणदीप सिंह का बंगला है, देखिए अभी गेट खुलेगा और आप देखिए कितनी लंबी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है। ये मर्सिडीज गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये बंगला। लेकिन 1.5 करोड़ मिलकर 117 MLA टैक्स के नहीं दे सकते सरकार को, उनको उसकी भी भरपाई चाहिए। मैं तो विडंबना बता रही हूँ, कांग्रेस की विडंबना, ब्लो अप कर रहे आप लोग। हाँ, ब्लो अप क्यों ना करूँ, आम आदमी की दुखती रख पर आप पैर रख के मसल देंगे, और आप चाहते हैं कि मीडिया भी चुप रहे? क्यों चुप रहे जी, क्यों ना दिखाए लोगों को कि ये है आपका बंगला, और आप 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं दे सकते? क्यों ना बताऊं मैं लोगों को? आइए सुनिए आम आदमी के प्रश्न। आम आदमी सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये है सवाल पब्लिक का। और